मैं यहाँ पे बना रही हूँ डबल चीज गार्लिक सैंडविच। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की शिमला मिर्च ली है, साथ ही में मैंने फाइनली चॉप्ड अनियंस लिए हैं, साथ ही में मैंने टोमेटो लिए हैं जिनके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने बॉइल्ड कॉर्न्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने रेडीमेड गार्लिक ब्रेड ली है, आप चाहो तो नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं गार्लिक ब्रेड लूँगी, इसके ऊपर बटर अप्लाई करूँगी। दिस इज़ अ गार्लिक बटर, इसे मैंने अच्छे से लगा दिया है। और मैं दूसरी ब्रेड के ऊपर भी सेम इसी तरह से गार्लिक बटर को अप्लाई कर दूँगी। बहुत ही इजी है ये, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ये करने के बाद इसे मैं अपसाइड डाउन कर दूंगी इस तरह से। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी मेयोनेज लूंगी, आप चाहो तो चीज स्प्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे मैं अच्छे से फैला लूंगी चारों तरफ से। जो हमने दूसरी ब्रेड ली थी जिसके ऊपर बटर लगाया था, उसे भी मैं ऐसे अपसाइड डाउन कर दूंगी, और साथ ही में मैं इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाऊंगी। आप किसी भी ब्रांड का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें केचप भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से चारों तरफ से फैला दूंगी। इसे अच्छे से करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप पिज़्ज़ा चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अच्छे से लगाने के बाद इसे मैं थोड़ा सा कॉर्न्स डाल दूंगी, आप अपने मनपसंद की कोई भी वेजेस लगा सकते हैं। ये देखिए, इसे अच्छे से करने के बाद इसको मैं ऊपर लगा दूंगी। ये मेरा अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से टोमेटोस, थोड़ा सा अनियन, थोड़े से शिमला मिर्च डाल के इसे अच्छे से फैला दूंगी, और थोड़े से कॉर्न्स में फिर से डाल दूंगी। इसे करने के बाद इसके ऊपर मैं फिर से चीज डाल दूंगी। चीज आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, ज्यादा कम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीज को डालना चाहते हो। ये अच्छे से चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर मैं हर्ब्स डाल दूंगी, ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स का, और इसे मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। आप चाहो तो इसे पैन में भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे OTG में या एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं, बट मैं इसे एयर फ्रायर में बेक करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ कितना चीज़ी लग रहा है, आप देख सकते हैं।